अरे गांव का नाम भूल गए, गोरकौली। ये पंखा उधर ही कर दो, हमारी तरफ पंखा आता है तो सर्दी पकड़ती है। हाँ जी, मुरली में अभी बोला था रावण से भी युद्ध चलता रहे, अभी नया से युद्ध चलता रहेगा, अभी अभी युद्ध चलता रहेगा, जब तक पुराने दुनिया को नहीं भूलेगा तो युद्ध चलता ही रहेगा। हाँ। तो उसका अंत कब होगा? तभी होगा जब पुरानी दुनिया को भूल जाओ, या तो शिव बाबा याद आता रहे, या तो नई दुनिया याद आती रहे, या तो परम धाम में बुद्धि बनी रहे। रामायण में दिखाया है इंद्र, जब राम को रावण के युद्ध चले तो इंद्र देवता ने पूछा और ब्रह्मा जी तो से ऐसा अंत कब होगा पितामह, तो कहा उसका अंत होगा जब उसका अंत है जब उसको मुंह से जब सीता है उसका अंदर, तो जब उसका अंत जब सीता को मुंह छूट जाएगा तो उसका अंत होगा। इन्होंने क्या कहा समझा कि नहीं? अरे कोई ने क्या, इन्होंने जो कुछ कहा वो समझा? हाँ, इनकी आधी नेपाली आधी आधी हिंदुस्तानी पूरी करो। राम को रावण के युद्ध हुआ? हाँ, राम रावण का युद्ध तो समझ में आया। उसके बाद अभी देखा से दोनों का युद्ध होते रहा तो सब देवता लोग घबरा गया से रावण से राम नहीं जीतेगा, तो वर्मा सब देवता सोचने लगा तो वर्मा जी ने पूछा से इसका अंत नहीं होगा, तो वर्मा उसका है इसका अंत, तो रावण ने आदि पूछा इसका रास्ता क्या है, तो कहा से जब तक राम को सीता को मुंह नहीं छूटेगा रावण को तो उसका अंत नहीं हुआ, उसको सीता का मुंह हटाना पड़ेगा। कहते हैं उसकी नाभि में अमृत कुंड था, रावण की नाभि में अमृत कुंड कोई दूसरी चीज नहीं है, अमृत कुंड जो है वो पवित्रता को ही कहा जाता है, ये प्योरिटी का कुंड विजयमाला की हेड में भरा हुआ है। और जो विजयमाला की हेड है वो है लक्ष्मी, जिसके साथ 16,000 नसें नाड़ियां जुड़ी हुई हैं नाभि के साथ, उसका एक रूप सीता भी है, जड़त्वमयी सीता, क्योंकि रावण तो देह अभिमानी है, आत्माभिमानी तो है नहीं, तो जो सीता का दूसरा रूप है देह अभिमानी उसको ले गया, परंतु उस देह अभिमानी रूप के साथ ही तो आत्मा जुड़ी रहती है, तो रावण की बुद्धि में वो सीता जमी हुई थी, वो अमृत कुंड जो है उसकी नाभि में तब ही से भरा हुआ है, जब तक वो नाभि कुंड न फूटे तब तक मोह उसका खत्म नहीं होगा सीता के साथ। इसलिए विभीषण ने ये युक्ति बताई राम को कि इसका नाभि कुंड फोड़ दो। तो यहां विभीषण कौन है? बी माने विशेष, भीषण माने भयंकर, ब्राह्मणों की दुनिया में भयंकर रूप धारण करने वाला कौन है? धर्मराज। धर्मराज भयंकर रूप धारण करने वाला है ना अंत में, वो कौन है?
अरे ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा की 16 व्यक्त बाप दादा ने हमको रास्ता बता दिया। क्या रास्ता बताया? विजयमाला का आवाहन करो। विजयमाला का आवाहन करेंगे तो इसका नाभिकुंड फूट जाएगा। और रावण मर जाएगा। हाँ, शरीर शरीर होता है, आत्मा जब छोड़ता है तो शरीर आत्मा हाँ शरीर छोड़ती है। शरीर का क्या होता है? सागर आता है, बहा ले जाता है। वो ऑटोमेटिक पहले से ही उनको पता लग जाता है कि अब हमारा शरीर छूटने वाला है। खुशी खुशी सागर के किनारे चले जाते हैं, शरीर छोड़ते हैं, सागर की लहर आती है उठा ले जाती है। वहां कोई देह अभिमान है जो जलाना पड़ेगा? वहां शरीरों में देह अभिमान होता है क्या? देह अभिमान तो होता ही नहीं, तो जलाने करने की बात ही नहीं। और आदि ब्रह्मा तो वो है जिसने पहले ब्राह्मण को जन्म दिया। पहला ब्राह्मण कौन? पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, सो पहला ब्राह्मण। ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण, तो वो ब्रह्मा कौन है जिससे पहला ब्राह्मण जन्म लिया? राम बलि आत्मा यज्ञ के आदि में। कोई माता थी जिसने सुनाया और उस ब्राह्मण ने सुना, तो सुनने से ब्रह्मा के मुख से पैदा हो गया। कौन? प्रजापिता। प्रजापिता पहला ब्राह्मण हो गया। किससे सुना उसने? ब्रह्मा के मुख से सुना। कौन था ब्रह्मा मुख? यज्ञ के आदि में वो ब्रह्मा मुख कौन सा था जिसके मुख से सुना? वो ही माता जो बाद में जगदम्बा बनती है। और देवता की पढ़ाई तो जो सबसे बड़ा देवता है वो पढ़ाता है, और ब्राह्मण की पढ़ाई तो ब्रह्मा, जिसको ब्रह्मा का टाइटल मिलता है। उसमें शिव बाबा प्रवेश करके पढ़ाते हैं ना। जब ब्रह्मा ने पढ़ाई पढ़ाई तो उस समय प्रजापिता ब्रह्मा भी तो मौजूद थे। तब कहाँ था ब्रह्मा? वह प्रजापिता ब्रह्मा कैसे प्रजापिता ब्रह्मा को पढ़ाई पढ़ाएगा? प्रजापिता बड़ा या ब्रह्मा बड़ा? प्रजापिता उस समय थे या नहीं? पढ़ाई बड़ा पढ़ाएगा या छोटा पढ़ाएगा? तो ब्रह्मा कहाँ से बड़ा हो जाएगा प्रजापिता के सामने? प्रजापिता जब चला जाए तब ब्रह्मा पढ़ाई पढ़ा सकता है। तो वो टाइटलधारी ब्रह्मा ने ब्राह्मणों की पढ़ाई कैसे पढ़ाई? टाइटलधारी ब्रह्मा ने पढ़ाई तब पढ़ाई क्योंकि पहले तो 10-15 पेज बैठ करके लिखते थे ब्रह्मा बाबा, और बाप उन माताओं के द्वारा लिखवाते थे। उसकी फिर साइक्लो स्टाइल कापियां निकाल के सबको बांट दी जाती थी। जब 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ उस समय से शिव बाप ने ब्रह्मा में प्रवेश किया और मुरली चलाना शुरू कर दी। उसमें प्रजापिता तो मौजूद नहीं था। टाइटलधारी ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण की पढ़ाई पढ़ाई। टाइटलधारी ब्राह्मणों के द्वारा ये सारा कार्य यज्ञ का चला। तो फिर बाबा मुरली में उस ब्रह्मा को ब्राह्मणी भी कहते हैं? सबसे बड़ी ब्राह्मणी भी बताया। टाइटलधारी ब्रह्मा को ही सबसे बड़ी ब्राह्मणी बताया। टाइटलधारी ब्रह्मा को ब्राह्मणी बताया? ब्राह्मणी कहा ना बाद में। हाँ?
बन्नी कहा है बाद में। हाँ, और उसको सबसे बड़ी ब्राह्मणी है। ये मेरी बन्नी है। कौन नहीं? बन्नी है माने बन चुकी है। असली बन्नी कौन हुई? बन्ना बन्नी वो नहीं। अरे असली बन्नी कौन हुई? हाँ, शिव जो है वो प्रजापिता में प्रवेश करके अपनी युगल बनाता है। शंकर शंकर है मेरी बन्नी वास्तव में। तो पहले पहले कौन शिव की बनती है? वैसे भी देखा जाए तो 33 करोड़ देवताओं में शिव के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है? शंकर का नाम जोड़ा जाता है। लेकिन तन पुरुष का है, इसीलिए प्रैक्टिकल में बनना भी चाहिए और बननी भी चाहिए। तो प्रैक्टिकल में बनना हो गया प्रजापिता और बननी हो गई वो जिसने बाद में एक ही संभाला। और जो टाइटी डाली ब्रह्मा था बाबा, तो बेसिक वाले का जब दादी को तन मुंडे चलाते वो क्यों नहीं बतलाते जैसे प्रजापिता दूसरा ब्रह्मा और है और मैं वो बतलाते तो फिर ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम क्यों रखते? पहले ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम रख लेते ना, उन्हें खुद ही पता नहीं था, बताएंगे कहाँ से? तो राम वाली आत्मा के बुद्धि के बुद्धि वाली पकड़ी में तो बैठ कर ज्ञान सुनते हैं। ये तो अभी की बात है ना, तब की बात थोड़ी है, ये तो 76 के बाद की बात है कि राम वाली आत्मा निमित्त बनती है उसको बुद्ध रूपी टोकरी में धारण करने के लिए, विषय वैतरणी को पार कराती है यमुना नदी को। और त्रि ऋषि जो है और कपिल मुनि जो मुनि ऋषि है, ये दोनों संग में साथे साथे काम होता है, अलग अलग टाइम होता है। कौन कौन? कपिल मुनि और मुनि और अत्रि जो करते हैं, का जो आपके साथ काम होता है समय अलग अलग है। कपिल मुनि वो है जो कपल है, डबल है, और अत्रि वो शुरुआत से ही डबल थोड़े ही है, वो तो तीन है ही नहीं पहले। आ माने नहीं, त्रि माने तीन। बाबा जो बोलते हैं भागीरथ ने गंगा में, तो जगह में दिखाते हैं शंकर को जटा से गंगा बहा, तो भागीरथ ने तपस्या किया तो तपस्या कर और संध क्रिया देता लोग, तो विष्णु जब गंगा गिराया तो कहते हैं धरती फट जाएगी, तो जटा में शंकर ने संभाल लिया। इसका कहते हैं पहली बार तपस्या की भागीरथ ने, तो गंगा आई और शंकर की जटाओं में समा गई, फिर भागीरथ ने दोबारा तपस्या की, फिर पृथ्वी पर आई। तो सवाल यह है भागीरथ रूपी वो भाग्यशाली रथ कौन सा है? पृथ्वी पर गिरने तो नहीं देगा। अरे वो पहली बार की बात है जो जटाओं में समा गई माने बुद्धि में घुमड़ती रही, मनन चिंतन मंथन अंदर चलता रहा बुद्धि में, पृथ्वी पर नहीं आई। वो पहली बार की बात है तपस्या की, फिर दूसरी बार तपस्या की तो धरणी पर आ गई। तो सवाल ये है कि भाग्यशाली रथ कौन सा है? हाँ, तो राम वाली आत्मा ज्ञान में कब आई दोबारा? हाँ,
76 से आई। अच्छा पहले बीके में नहीं थी है? पहले बीके में थी ना, तो जब बीके में थी उसी समय उसने तपस्या की, पहली बार की तपस्या हुई। सन 68-69 में जब आई तो वो पहली बार की तपस्या शुरू हुई। पहली बार की तपस्या से वो ज्ञान की गंगा जो है वो ऊपर से नीचे तो आ गई लेकिन जटाओं में घुमड़ गई, माने बुद्धि में थम गई। 68-69 से लेकर 76 तक कहाँ रही? पृथ्वी पर नहीं आई, कहाँ रही? उनकी बुद्धि में घुमड़ती रही। किनकी बुद्धि में? हाँ, भाग्यशाली रथ की बुद्धि में घुमड़ती रही। और वो घुमड़ते घुमड़ते फिर भाग्यशाली रथ को फिर दोबारा तपस्या करनी पड़ी। तो वो दोबारा जब तपस्या करते हैं तब वो जमीन पे आती है प्रैक्टिकल रूप में। प्रैक्टिकल रूप में अभी राम वाली आत्मा के द्वारा तपस्या कर रही है, आएगी अंत में ज्ञान गंगाएं निकली हैं, तो अंत में निकलेंगी ना। पहले पहले यमुना नदी, बीच में सरस्वती नदी, जगदम्बा सरस्वती, पहले यमुना नदी फिर बीच में जगदम्बा सरस्वती और अंत में ज्ञान गंगाएं। तो वो ज्ञान गंगाएं निकलेंगी जिनके लिए बोला है कि गंगा कहाँ से निकली? कानपुर से निकली या इलाहाबाद से निकली? दोनों शहरों में से कहीं से तो निकलेगी, प्रैक्टिकल में साकार में दिखाई पड़ेगी। और माने राम को, धा माने धारण करने वाली, राम को धारण करने वाली कोई ऊंचते ऊंच पार्ट धारी ही होगी या नंबर वार सभी सीताएं होंगी? हैं बोलो, नंबर वार सभी सीताएं राम को धारण कर लेंगी? धारण करना माने उठा लेना है। हाँ, एक ही है जो राम को पूरा पूरा धारण कर पाती है, बाकी तो तिरक जाती है कहीं इधर कहीं उधर। जब इधर उधर बुद्धि तिरक जाएगी तो शूटिंग हो जाएगी ना? क्या शूटिंग हो जाएगी? एक पति की शूटिंग होगी या दो पति की शूटिंग हो जाएगी या दो से ज्यादा की हो जाएगी? या तो दो की शूटिंग हो जाएगी या तो दो से ज्यादा की हो जाएगी। तो व्यभिचारिणी बन गई, व्यभिचारिणी बन गई तो रावण ले गया ना, तो नंबर दो की सीता हो गई कि नंबर एक की? नंबर दो की। तो जो नंबर एक वाली है वो तो राम को पूरा ही धारण करती है। दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उसको हिला सके, इसलिए राधा नाम पड़ता है। वो एक ही है जिसका सच्चा प्यार है, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो एक आत्मा ऐसी है जिसके लिए गायन है क्या है? क्या गायन है? बरहूं शंभु न तो रहूं कुंवारी, या तो मैं शंकर जी का ही वर्ण करूंगी, नहीं तो कुंवारी भले रहूं लेकिन किसी दूसरे को वर्ण नहीं करूंगी। माने 84 जन्मों में एक ही आत्मा के साथ पति के रूप में गुजारने वाली एक ही आत्मा है, बाकी दूसरी जो है वो कहीं न कहीं बुद्धि इधर उधर तिरक जाती है तो शूटिंग हो जाती है।
बाबा फादर का अर्थ क्या? राम फेल हो गए या तो तीर्थ में चली गए? हाँ बिल्कुल हाँ? ये की आज में राम वाली आत्मा ने अधूरा पुरुषार्थ किया तो त्रेता युग का उसका पद बन गया, सतयुग के नारायण का नहीं पद बना। तो आज में फेल हो गई ना, अंत में तो नहीं हो गई, संगम युग के नारायण तो हो गए। संगम युग तो आदि में भी था तो फेल तो हो गई, तो नारायण कैसे बनेगी? तो राम का पद बन गया, फेल या राम का। अब दोबारा जन्म लेकर के आके पढ़ाई पढ़ सकती है कि नहीं पढ़ सकती? पढ़ सकती है। और फाइनल पेपर तो अभी किसी का नहीं हुआ। राम के कहानी पूरा राम वाली आत्मा पर जाते हैं बाबा, तो जो राम को तो कहते थे वनवास देने के और दशरथ से वरदान मांगा था, तो जब वो पूरा कर राम ने वनवास पूरा कर आया तो कहते थे राज्य मांग लिया, तो ज्ञान में तो कोई माता होगी जब राम वाली आत्मा जब भी वनवास पूरा कर और अपना राजतिलक लगाने जाएगी तो कोई माता तो होगा उसको राजतिलक देने के लिए। इसका क्या कह दिया इन्होंने? राम वनवास चली गया। हाँ चली गया, समझ भी आया। हाँ और वापस आके फिर वापस आके कह कही ने हाँ यहाँ कौन है राज तिलक जो जब वनवास पूरा कर आया राम ने तो के अपना माता कैकेयी से राज तिलक राम वाले से मांगा था ना, मांग करो राज तिलक तो कैकेयी ने अपन ज्ञान अभी आपस वचन पूरा करने के लिए राम अपना पिता को वचन निभा दी। राज तिलक तो भरत को मिला ना, राज तिलक भरत को स्वीकार नहीं किया। हाँ उन्हें तो शत्रुघ्न को दे दिया, राज्य जो है न भरत के पास रहा और शत्रुघ्न ने संभाला। तो जो धरोहर के रूप में भारत को शत्रुघ्न के पास दे दिया तो फिर वापस आया राम हाँ। अरे जो कई कई खसम करेगी वो इसी का नाम तो कई कई पड़ेगा। तो तुमको राज्य किसियन से मिलता है किसी दूसरे से मिलता है? किससे मिलता है? किसियन से मिलता है ना। अरे तुमको राज्य किससे मिलेगा? अरे तुम ब्राह्मण बच्चों को राज्य किससे? अब तुम्हारा राज्य किसने छीना? अभी सारे विश्व की बादशाही किनके पास है? किसियंस के पास है ना। तो किसियन ने ही छीना है, किसियन से ही तुमको राजा ही मिलेगी। तो कई कई कौन करते हैं? कौन से धर्म वाले हैं जिनके धर्म में कई कई किए जाते हैं? किसियन। तो उन्हीं से राज्य मिलेगा, दूसरे से किससे मिलेगा? और शिवा जी तो इसमें श्रेष्ठ राजा हुए हैं। शिवा जी तो इसमें श्रेष्ठ राजा हुए। श्रेष्ठ तो थे लेकिन कलयुग के थे या सतयुग के थे? कलयुग के राजा था। सब आज से 500 साल पहले, 500 साल के अंदर की बात है ना, मराठा राज्य की बात है ना। हाँ 500 साल के अंदर की बात है, तो 500 साल के अंदर तो कलयुग ही था, तो श्रेष्ठ कहाँ से हुए? श्रेष्ठ कहा जाता है देवताओं को। हाँ छोटे राजा क्यों बने? तिरुपति वो छोटे राजा क्यों बने? क्यों छोटे राजा श्रेष्ठ कर्म करने वाले नहीं बन सकते? बड़े राजा ज्यादा भ्रष्टाचारी होंगे कलयुग में या छोटे राजा ज्यादा भ्रष्टाचारी होंगे? बड़े जो जिनका बहुत मान मर्तबा है वो बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी समझो। कलयुग की ये रीति है, जो बड़े से बड़ा है जितना बड़ा उतना ज्यादा भ्रष्टाचारी, और जो छोटा होगा वो कम भ्रष्टाचारी। बड़े से बड़े को मान ज्यादा मिलता है
या छोटों को मान ज्यादा मिलता है, बड़ों को ज्यादा मान मिलता है? भारत है ना, वैसे में कौन सा राज्य पहचाना जाता है? भारत नाम नहीं रहता है, सचिव में भारत नाम नहीं रहता। सचिव का भारत का नाम थोड़े ही है, भारत जो नाम है वो संगम युग का है। भा माने रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, भारत माना जो ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहे, अंधकार में कभी आता ही नहीं, वो भारत है। इस समय भारत की बात है संगम युग की। सतयुग में तो जम्बूद्वीप होता है, भारत नाम थोड़ा ही होता है। और बाबा, सीता के नाम पहले राम, सीता राम बोलते हैं और राधे कृष्ण बोलते हैं, शंकर पार्वती शंकर क्या क्या नाम पार्वती के पीछे? जो सीता राम है वो देवी देवता है, राधा कृष्ण है वो भी देवी देवता है, लेकिन शंकर पार्वती भगवान भगवती है। तो भगवान ऊंचा होगा कि भगवती ऊंची होगी? भगवान ऊंचा होगा। बाबा हाँ, फरुखाबाद सर्विस करने के लिए जाना चाहते जाओ जाओ, सेवा देने के लिए जाना चाहती हैं, जा सकती हूँ बाबा? सेवा के बहुत देने। हाँ, सेवा देंगी तो रहेंगी तब ना सेवा देंगी। हाँ, ज्यादा दिन नहीं रहना, नहीं तो ये पाँच साल खाली। हाँ जी, हाँ जी। और हाँ बाबा, क्या बोलते बाबा? मन मना हमारे मजे। हाँ, मन मना हमारे मेरे में समा जा। जब सागर में समा जाएगा तो सागर ही हो जाएगा ना। सागर में से एक चुल्लू पानी लिया और सागर में ही फेंक दिया, तो चुल्लू पानी सागर में समा गया कि नहीं? वो चुल्लू पानी भी क्या हो गया? सागर ही हो गया। तो मन मना भव का अर्थ यह है कि मेरे अंदर जो संकल्प चल रहे हैं तो सो ही संकल्प तेरे अंदर चले। तो भगवान के अंदर जो संकल्प चलेंगे वो ही बच्चों के अंदर संकल्प चलेंगे, तो बच्चे बाप समान हो गए ना। लेकिन 100% तो एक ही बन पाता है, बाकी तो नंबर वार हो जाते हैं। जो 100% बाप समान बनता है उसका नाम शिव के साथ जोड़ दिया जाता है। बाबा, परम पिता का भी कितना भारी पाठ है, खुद बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ। ऊपर बैठ बाबा क्या काम करते हैं? बाबा से नीचे आया हूँ। साक्षात्कार नहीं कराते हैं? है? है? जिनको हनुमान का साक्षात्कार हो जाता है, किसी को गणेश का साक्षात्कार हो जाता है, तुलसीदास जी को राम का साक्षात्कार हो गया, सूरदास जी को कृष्ण का साक्षात्कार हो गया, तो ये साक्षात्कार कराता कौन है? है? बाप तो नीचे आया है, बाप तो नीचे आया है। बाप नीचे अभी आया ना संगम में। हाँ, द्वापर कलयुग में थोड़े ही नीचे होता है। और हाँ, शंकर का तो कोई पार्टी नहीं है। शंकर का तो कोई पार्टी नहीं है, पार्ट काय से बजाया जाता है? अरे सुनो तो, पार्ट काय से बजाया जाता है? इंद्रियों से बजाया जाता है ना, है? आँख है, ऐसे देखे तो पार्ट बजाया ना, है? मुंह है, मुंह से बोला तो पार्ट बजाया ना, हाथ चलाया पार्ट बजाया ना, टांग चलाई दौड़े पार्ट बजाया ना। तो इंद्रियों का तो कोई पार्ट ही नहीं बजाता, वो तो याद में बैठा हुआ। ये कोई पार्ट है क्या? इंद्रियों का पार्ट है, शरीर के द्वारा पार्ट है, कोई पार्ट नहीं, वो तो बुद्धि से याद करता है, ये कोई पार्ट है? तो शंकर का कोई पार्ट नहीं। संकल्पों के द्वारा किसी की भी बुद्धि को घुमा देता है, उसमें प्रवेश करता है
और उसकी बुद्धि को घुमा के अपनी आत्मा में वापस आ जाता है अपने शरीर में, वो विनाश करता है। जैसे शंकर थोड़े विनाश करता है, शक्तियां विनाशकारी गाई हुई है। असुर संहारिणी कौन? शक्तियां। तो उनको उंगली लगा दी, तुम करो विनाश। भगवान विनाश करेगा तो दोष आ जाएगा, इसलिए विनाश का काम कौन से करवाते हैं? शक्तियों से करवाते हैं, लक्ष्मी से नहीं करवाते हैं। वो बहुत प्यारी है, क्या वो एक सेवा व दूसरा न कोई, बाकी एक की जगह तो दो बना लेती हैं। उन्हें तुम करो विनाश, जाओ माँ काली की भुजा बनो जाके। शंकर जी माँ काली के द्वारा विनाश कराते हैं, तो फिर शंकर जी फरा है और काली उसको, अरे हमारा काम कर रहा है तो क्या मुसीबत क्या है? गाय दूध देती है, लात मारती है, तो दूध देने वाली गाय की लात सहन करने में कोई हर्जा है क्या? है देखो वाला। और बाबा नेपाल में एगो मंदिर था भारी, कौन चीज के मंदिर था? नेपाल में क्या था मंदिर? मंदिर कौन सा बहुत भारी मंदिर था? मंदिर था नेपाल में, वो तो है ना पशुपतिनाथ मंदिर। पशु, पशु माने जानवर और पति माने पति, जानवर का भी पति पशुपति नाथ। तो शिव जी के मंदिर में कोई पशु दिखाया जाता है? बैल दिखाते हैं, तो बैल पशु है, उसका भी वो पति है। तो बाबा यही तो कहते हैं, तुम्हारे पतियों का भी मैं पति आया हुआ हूँ। क्या जो बैल है तुम्हारा पति, वो भी किसी किसी जन्म में स्त्री बनता होगा कि नहीं? वो जब स्त्री बनता है तो मैं उसका पति बन जाता हूँ, तो तुम्हारे पतियों का भी पति आया हुआ। और बाला मंदिर में जो नीचा 108 कोठली का जो रूम है वो मैं तपस्या कर देखा, और दीवार में और पूरे दीवार छत में देखा था। दीवार में नहीं छत में, हाँ वो ऊंची स्टेज में दिखाए गए हैं देवताएं, और नीची स्टेज में दिखाई गई तपस्या। हाँ जो नीचे है वो तपस्या कर रहे हैं, तपस्या तो नीचे ही बैठ के करेंगे कि ऊंचे बैठ के करेंगे? देवता बन जाएंगे तो ऊंचे हो जाएंगे, अभी देवता तो है नहीं, अभी मंगता है कि देवता है? अभी तो मंगता है, हाँ? भारत बैगर बन गया तो मंगता हो गया, तो अभी तपस्या करें, और तपस्या जब पूरी हो जाए तो देवता बन जाएंगे, संपूर्ण ब्राह्मण सुप संपूर्ण देवता, फिर ऊंची स्टेज में चले जाएंगे। तो ऊंची स्टेज कैसे दिखाएं? इसलिए उन्होंने छत में दिखा दिया, ताकि ऐसे करके देखो। बेसिक वाला कहते हैं शरीर छोड़ के बाद में सर्व के मिश्र, शरीर छोड़ते परम धाम जाते तब सर्व में निभाएगी देवता में जन्म लेंगे। कैसे जन्म लेंगे? में बाबा स्वर्ग में देवी देवता आएंगे कहाँ से, उनसे पूछो। और स्वर्ग में कहाँ से देवी देवता आएंगे जो उनसे जन्म लेंगे? बाबा कहते हैं डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। ये शरीर में लक्ष्मी होता है कि ये शरीर में नारायण बनता है कि यही शरीर नारायण बनेगा, यही शरीर लक्ष्मी बनेगा? लेकिन बोले ये बात को मानने के लिए तैयार नहीं, नहीं तो उनसे पूछो, तो उनसे पूछो सत्युग में कहाँ तुम जन्म लोगे, जाए किसके घर में जन्म, सत्युग में कृष्ण वाली आत्मा किसके यहाँ जन्म लेगी? तो पता ही नहीं, तो हमसे पूछो आगे। सत्युग में जन्म, सत्युग में जन्म माँ बाप से लेगे, ऊपर से टपकोगे, कहाँ से जन्म मिलेगा? हाँ तो नहीं बताते तो हमसे सुनो। ये बोलते हैं ऐसे भिखारी शरीर में कैसे हम लक्ष्मी नारायण का पद ले सकते हैं, कैसे
ऐसे भिखारी शरीर में हम कैसे लक्ष्मी नारायण का पद पा सकते हैं? तुमने पक्का कर रखा है कि हम बेकार छोड़ेंगे ही नहीं? हम तो अच्छा अच्छा खाएंगे, अच्छा अच्छा पहनेंगे, अच्छे अच्छे घर में रहेंगे, तो तुमसे बेकार छूटेंगे ही नहीं। और हमने तो त्याग तपस्या वाला जीवन बनाया हुआ है, तो हमसे तो बेकार छूटेंगे। बोलते हैं जब तुम्हारे बाबा ने जो है और कहते हैं तुम छोटे स्कूल में पढ़ते हो, अभी तो बोला मुरली में बाबा से, अभी वो बेसिक वाले क्या पढ़ते हैं, बीके वाले स्कूल में, और तुम पढ़ते हो यूनिवर्सिटी में, ऊंचे स्कूल में नहीं यूनिवर्सिटी में। जब तुम ऊंचे में पढ़ते हो तो तुम्हारा पढ़ाई भी ऊंचा होना चाहिए, तो हमारे मुरली भी तुम्हारे बाप की, तुम्हारे क्या परदादे की मुरली है? जो तुम्हारा बाप भगवान, सो हमारा बाप भगवान, भगवान तो एक ही होता है। अरे बाबा वो सब क्या पूछते हैं, हम जब राम वाली आत्मा में जब भगवान आते हैं तो मुख से मुरली सुनाना होता है, तो नहीं बोले थे अरे माता ज्ञान दूध, जब माँ दूध पिलाएगा तो वो बोले माता पिलाएगा, तो माँ कौन है, बड़े माँ तो वर्मा है, उस तो ज्ञान दूध है पिलाने के लिए, और जब माँ चलेगा तो पिता को पाठ है, और पिता वो अपना पाठ बजा रहा है। ये मानने के लिए एक बच्चे माना, और जो सरकार भाई जी है ना वो तो विरोधी करते हैं। नहीं बाबा वो सब साकार को नहीं मानना चाहते, साकार में बोलते उस मतन के रहते, उनसे डिबेट नहीं करनी है। तुम अपने रास्ते चलो, हमने बता दिया, तुम्हें संदेश दे दिया, तुम्हारी 20 बार गर्ज पड़े तो हमारे पास आ जाना। बाबा बोले क्या, हाँ? आप वो झूठे मुरली छोड़ दीजिए, हमको घर आकर बेसी के भाई जी बोले ना, हाँ? वो झूठे मुरली क्यों सुनते हो? कौन सी झूठी मुरली? एडवांस वाले मुरली तुम छोड़ दो। वो झूठी काहे के लिए? झूठी वालू है उस ढोंग में, तुम नहीं करो हमारे साथ। झूठी काहे की? बाबा का मुरली नहीं है बोले। बाबा की मुरली अभी कह रहे हमारी मुरली चुराई ली, दो बातें क्यों करते? बेसिक वाले बोलते हैं उस सबको साथ छोड़ दो, सब एक मैन कहकर रहो अपने ग्रुप में, और शंकर पार्टी में नहीं जाना। हम कहे नहीं शंकर पार्टी में हम नहीं जाएंगे। उनसे कहो शंकर पार्टी होती ही नहीं, ये ब्राह्मणों की भाषा ही नहीं, ये शिव बाबा की भाषा नहीं, शंकर पार्टी, ब्रह्मा पार्टी, विष्णु पार्टी, किसी मुरली में बोला है? ये तो शूद्रों की भाषा है, तुम लोग शूद्र हो। बेसिक वाले पे हम सबको शंकर पार्टी ही बोलते, हम बोले नहीं है शंकर पार्टी, है ही नहीं, वो तो एडवांस पार्टी है, है? हम तो एडवांस पार्टी है, उस मतलब में एडवांस पार्टी नीचा है नहीं। या तुम लोग का गलत बताता है तो उसको पीछे पीछे दौड़ते हो क्यों? तो हमको घर में रहो, आओ उसमें नहीं जाओ, ढोंग राचा है। सूखे मतलब सूक्ष्म मतन मुरली में काट दिया, सूक्ष्म मतन कुछ है ही नहीं, तो वह मुरली वही तो बता रहे हैं बाबा। जब मुरली उस दिखाया तो कहते हैं प्रजापिता आदि सूक्ष्म मतन वासी वर्मा द्वारा मैं प्रवेश नहीं करता हूँ, मैं तो प्रजापिता वर्मा के द्वारा मैं प्रवेश करता हूँ। वो मुरली दिखाया तो कहे नहीं प्रजापिता वर्मा कौन है, हम कहे राम वाली आत्मा, नहीं दादा लेख रख दिया, दादा जी ग्रंथ तो साकार में है नहीं। प्रजापिता जब वर्मा तो बोलते हैं सुस वतन वासी वर्मा के द्वारा मेरे द्वारा पावन बनते, तो मेरा कहने वाला कौन है? है, है? मेरे कहने वाला शिव है। शिव कैसे पावन बनाएगा, निराकार कैसे पावन बनाएगा? सबका दावा सुबह का दावा ब्रह्म भी चाहिए तो प्रजापिता ब्रह्म भी चाहिए, ये मुरली हमारे हाथ में नहीं मिला, नहीं मिला, फोटो कॉपी घर में प्रजापिता भी चाहिए तो ब्रह्मा भी चाहिए तो प्रजापिता ब्रह्मा भी मुझको चाहिए, बिल्कुल है, और क्या अम्मा भी चाहिए तो बप्पा भी चाहिए। ठीक है चलो, टाइम हुआ कि नहीं बाबा? रानिया लोग कहता है यही तुम क्या ज्ञान पाया, बाबा प्रकार का दूसरा चल लिया, आगा प्रकार का क्या ज्ञान पर गया, कौन गया? बाबा गांव वाले बुजुर्ग लोग बोलते हैं आदि अंत से हमको देवी देवता की पूजा करने के लिए, और तुम कौन ज्ञान में पड़ गये? देवता नहीं पूजेगा, देवता न पूजा, जाकर फंस गया बोले, कहाँ जाके फंस गए? अपन घर बार देवता सब देंगे बाबा दादा का छोड़ देला, अपन कौन ज्ञान में चल गई बाबा, एक नेपाली को दूसरा नेपाली ट्रांसलेशन करता है।
हाँ तुम कौन से ज्ञान में चल पड़े? हम भगवान के ज्ञान में चल पड़े। पहले ओम शांति नहीं था, पहले ओम शांति, पहले ओम शांति नहीं था, पहले कबीरदास नहीं था, फिर कबीरदास आ गया, पहले तुलसीदास नहीं था, बाद में तुलसीदास आ गया, पहले सूरदास नहीं था, बाद में सूरदास आ गया, पहले दयानंद नहीं थे, बाद में दयानंद आ गए, पहले कृष्ण नहीं था, बाद में क्रिश्चियन आ गए, पहले बुद्ध नहीं था, बाद में बौद्ध ही आ गए, ये कोई बात हुई? अरे अब भगवान नहीं था इस दुनिया में, तो भगवान आ गया, तब तो भगवान के बच्चे बन गए। आपस में भाई भाई नहीं है, इसका अर्थ क्या? भाई बहन है कृष्ण, राधा कृष्ण भाई बहन है ना कि भाई भाई नहीं है? भाई भाई नहीं है, राधा कृष्ण तो भाई बहन है, भाई भाई कहाँ है? यहाँ पे लिखे हैं क्या? भाई भाई नहीं, इसका अर्थ भाई बहन नहीं है, ये कहो। राधा कृष्ण भी भाई बहन नहीं है, क्योंकि राधा अलग कुल की और कृष्ण अलग कुल का। राधा चंद्रवंश में पैदा हुई, चंद्रमा की लड़की है, ब्रह्मा की, ब्रह्मा के कुल में अभी भी पल रही है, और कृष्ण सूर्यवंशी कुल में पल रहा है, तो वो सूर्यवंश की और वो चंद्रवंश की, तो भाई बहन कहाँ से हो जाएंगे? उनका कुल ही अलग अलग है। बाबा एक मुरली में बोला श्री में 9 लाख सतगुरु का जनसंख्या होगा, तो 4 लाख सूर्यवंशी के घराने का होगा और 4 लाख चंद्रवंशी का, चंद्रवंशी का 4 लाख और सूर्यवंशी का 4 लाख, दोनों का मिलकर 9 लाख, ऐसा हमको क्या करें इसका? 4.5 क्यों नहीं समझ में आया? जो प्रवेश करने वाली ब्रह्मा जैसी आत्माएं हैं वो 4.5 लाख होंगी, जिनमें प्रवेश होगा, जिनका शरीर अंत तक रहेगा, वो 4.5 लाख सूर्यवंशी। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? अरे ब्रह्मा जैसी आत्माएं शरीर छोड़ रही कि नहीं? उधर बेसिक में वो 4.5 लाख होंगी, वो 4.5 लाख आत्माएं जो शरीर छोड़ छोड़ करके इन सूर्यवंशियों में प्रवेश करके पार्ट बजाएंगे, तो एक ही शरीर में दो दो आत्माएं हो गई ना, तो 4.5 लाख में एक दो दो आत्माएं काम कर रही है, तो टोटल कितनी हुई? 9 लाख हो गई। बाबा शंकर के गले में आगे के भाग में 3 दिखाई है, जिस शंकर जी के गले में ना आगे की भाग में गले में 3 रेखाएं दिखाई दी है। गले में 3 रेखाएं दिखाई गई? जी, इसमें सांप दिखाया। रेखा हो है। तो ऊपर भी सांप दिखाया ना? गले में सांप दिखाया है। हाँ। एडवांस की उसमें है मेरा। 5 विकार है, 1 कमर में है, वो काम विकार है, 1 इस भुजा में चिपटा हुआ है, वो क्रोध विकार है, 1 इस भुजा में चिपटा हुआ है तो वो लोभ विकार है, 1 गले में मोह की फांसी पड़ी हुई है वो मोह विकार है, और 1 अहंकार है वो सर के ऊपर है। 5 विकार हो गए। गले की 3 यहाँ पे दिखाया, कोई कोई सांप ऐसे होते हैं जिनमें 3 रेखाएं यहाँ पर खींची हुई होती है, वो दिखाई पड़ता है। और बाबा बरमूडा ट्रायंगल का अर्थ क्या है? बड़ माने बड़ा, मूल माने जड़, क्या? बड़ माने बड़ा, मूल माने जड़, तो झाड़ के चित्र में कितनी जड़ें हैं? झाड़ के चित्र में जो जड़ें दिखाई गई हैं वो टोटल कितनी हैं? 8 तो तुम्हें दिखाई पड़ रही हैं, जो बीच वाली 2 हैं वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रही हैं, 10 हो गई।
देवी देवता सनातन धर्म की भी तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी दो जड़े हैं, तो उनमें सबसे बड़ी जड़ कौन सी हुई? ब्रह्मा, वो हो गया बड़ा मूला, भूत प्रेतों का मुखिया भूतनाथ, वो भूतनाथ है। हाँ, वो बड़ा मूला ट्रायंगल भूतों का अड्डा है, इसलिए वैज्ञानिक लोग वो बड़ा मूला ट्रायंगल में नहीं जाते हैं, उस तरफ दूर से ही मोड़ के चले जाते हैं, ऐसे ऐसे ना हवाई जहाज उसके ऊपर से ले जाएंगे और ना पानी का जहाज उसके अंदर से ले जाएंगे, ना पनडुब्बी ले जाएंगे। वैज्ञानिक लोग कहते हैं हम भूत प्रेतों को नहीं मानते। अब नहीं मानते तो तुम डरते काहे के लिए हो, क्यों नहीं जाती वहां? और बाबा नीचे बीज रूप निराकार पर परमात्मा ज्योति बिंदु और उसके ऊपर दो पीपल के पत्ते में राधा और कृष्ण दिखाया हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है? षष्ठ रूपी नया झाड़ जब शुरू होगा तो पहले पहले कौन से दो पत्ते निकलेंगे? राधा कृष्ण, वही दो पत्ते दिखाए। हाँ, ऊपर से परम धाम से आत्माएं आएंगी तो उन्हें फिर तपस्या करनी पड़ेगी, शरीर में प्रवेश करेंगी, वो शरीर उनको कंचन काया शरीर मिलेगा, बर्फ में से निकला हुआ शुद्ध शरीर मिल जाएगा, तपस्या काय की करेंगी? तपस्या करने की क्या दरकार? तपस्या तो अभी तपना है, नहीं कि परमधाम से लौटने के बाद कब तपना है? अभी तप रहे हैं, अभी आत्मा पवित्र बन रही है, परमधाम से लौटेंगे तो आत्मा पवित्र आएगी, तपस्या क्यों तपनी पड़े? पवित्र शरीर मिलेगा। एक दिन मधुबन के चाबी बाबा के हाथ में आएगा, मधुबन में ही परम धाम उतार लेगा। हाँ, और क्या, सही बात है। मधुबन में जब सब आत्म की स्थिति में होंगे तो परम धाम हो गया ना, देवान की किसी में याद ही नहीं होगी, आत्मा ही आत्मा वहाँ ठहरेंगी। बाबा भक्ति मार्ग में दिखाते हैं राधा कृष्ण देव की और वसुदेव के बच्चे हैं, राधा कृष्ण कृष्ण भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कृष्ण को देवकी और वसुदेव के बच्चे हैं, और यहाँ संगम जुग में ज्ञान से बाबा कहते लक्ष्मी नारायण जन्म देते हैं राधा कृष्ण। जिस सतयुग की कृष्ण की तुम बात कर रही हो वो शास्त्रों में नहीं है, जो सतयुग का कृष्ण है वो शास्त्रों में है क्या? शास्त्रों में संगम युग कृष्ण की बात है या सतयुग की कृष्ण की बात है? तुम जो कृष्ण की बात कर रही हो कौन से सतयुग की कृष्ण की बात कर रही हो कि संगम की कृष्ण की बात कर रही हो? फिर ठंडा ही पानी दे दिया। बाबा हम तो मधुबन जा सकते हैं नहीं? कौन से मधुबन? माधव गुप्त होके जाओगे कि प्रत्यक्ष होके? प्रत्यक्ष होके जाओगे तो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। प्रत्यक्ष होके किस लिए जाओगे? लड़ाई लड़ने? यहाँ पहले यहाँ सेंटर में जाके दिखा दो, तब
तो जाओ ना, जाति काहे की नहीं है। बोलते हैं बेसिक वाले से शंकर पार्टी मधुबन में जाएंगे तो काम तोड़ तो जान से भी मार देते हैं, जाने कितनी हत्याएं कर चुके हैं, पुलिस को पैसे दे देते, खत्म हो जाती है बात। तो मरना हो तो जाओ। पहले मधुबन पहुँचती आती तब बाद में बच्ची देख लेती, इसलिए पूछे वहाँ पर हम सब जा सकते हैं नहीं। बताया ना तुम यहाँ सेंटर में क्यों नहीं जाती हो रोज? सेंटर में तो वो सब शंकर पार्टी बोलते हैं ना। तो वहाँ शंकर पार्टी नहीं बोलेंगे तुम्हें? चल अब तुम्हारे पास कुछ रहा नहीं। ओम शांति।